मैं अभी ऊपर आया नहीं, सारे भी इंतज़ार कर रहे हैं खाने का। ये अम्मा भी पैसे आके बैठी हैं, अब इनका खाना आया नहीं, अभी आएगा। तो यार अभी हम अपनी पहले बत्तखों को खोलते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो यार आज मौसम तो काफ़ी अच्छा हो रहा है, बादल बादल हैं, धूप छा हो रहा है, लेकिन गर्मी फिर भी अभी हो रही है, हल्की हल्की हवा चल रही। सबसे पहला काम अभी मैं ऊपर आके ये करता हूँ, हमें अपनी काली वाली मुर्गी को देखना है कि वो ज़िंदा है या मर चुकी। बाकी आज मैंने माइक भी लगाया, कमेंट में ज़रूर बताएगा कि जो आवाज़ में फ़र्क आ रहा है या नहीं आ रहा। तो फिर इसकी अभी मरी तो नहीं, जिंदा है, लेकिन हालत उसकी मरने वाली होगी। दवा तो सेम दे रहे हैं, बाकी हो सकता है हम उसे ज़िबा करवा दें, क्योंकि वो बचेगी वैसी भी नहीं। बाकी आज कबूतर भी उसे हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। और अब तो ये बिल्ली ऐसी हो गई है ब्राउन वाली की, ये हमसे डरती भी नहीं है। यहीं बैठे रहेगी, डरी उठनी थी, अभी हमसे डरती नहीं, फ्री हो गई है हमसे। कल रात को ना मैं वहाँ नीचे से देख रहा था ऊपर, ये इसमें हमारी यहाँ बैठा हुआ था और दूसरा बिल्ला आके इसको तंग कर रहा था, तो फिर ये आपस में लड़ रहे थे। ये तो वैसी फुसड्डी है, ये वहाँ कोने पे लेटा हुआ है, हमसे लेट लेट के चिल्ला रहा है। वो यहाँ बिल्ला खड़ा होकर उसको घुरा रहा था, फिर मैं आया ऊपर, फिर मैं इसको भगाया, जाली तोड़ दी इन लोगों ने। हमारे इसमें यहाँ थी और वो इतना मोटा बिल्ला था यहाँ पर। अभी ऐसी हो गई, इसमें अगर चढ़ेगी ना डायरेक्ट नीचे, और नीचे भी घर है, दिखा नहीं सकता आपको। बाकी ये हमारा तरबूज का, इसमें से भी अब बेलें निकलती हैं, कमेंट में ज़रूर बताएगा इसको सारा किस तरह देते हैं। मुझे आता था लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा किस जगह पर दूँ, उस जगह पर दूँगा तो वहाँ पर तो अपने मुर्गियाँ खा लेंगी, एक जगह वो है लेकिन वहाँ पर वहाँ से हो सकता है ऐसे सारा, लेकिन वहाँ चिड़िया नहीं हो सकती हैं। बाकी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएगा। बाकी ये हमारा एक छोटा सा लहसुन का पौधा है, ये पता नहीं कौन से पौधे निकल रहे हैं अभी, मुझे नहीं पता नहीं आ रहे हैं। तो अभी हम अपना कैन उठाते हैं और सबसे पहले बत्ता हो उसमें पानी भर लेते हैं। काश माशाल्लाह सब फूल खिले हुए, वो वाला भी काफ़ी टाइम बाद खिले। बाकी हमने अपने इस वाले पौधे का गमला जिन चीज़ें जो कल गिरे जा रहा था बाद में उसको बड़े गमले में शिफ्ट कर दिया, और इसमें हमने थोड़ा सा पुदीना दबा दिया था, फिर डंडी काट के ना ये थोड़ी सी लगा दी। बाकी ये भी तो हल्का हल्का मुरझा रहा है, अभी वापस थोड़ी दिन बाद ठीक हो जाएगा। ये देखिए हल्का सा पानी क्या गिरा है यहाँ पर आगे, क्योंकि तो पानी में रहने वाले हैं ना। वैसे बत्तख को भी अब टाइम हो गया नहाए हुए भी, अब इनके लिए भी नहाने का बंदोबस्त करना है। वो स्विमिंग पूल लगे, उसने स्विमिंग पूल बत्तख को ना फाड़ दिए, सुराख कर दिए, तो उसके लिए भी हमें चीज़ें मंगवानी है। भाई खाना भी आगे सारे कैसे भाग रहे हैं, जाओ इसलो बस वो चले गए हमें वहाँ, तो इसको भी खाना मिल ही गया, इसके पीछे पड़ गई थी, इसलो को नहीं डालने दे रही थी, कही थी पहले मुझे। तो आप लोग भी, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएगा कि जो है आपकी तरफ जानवर आना शुरू हो गए या नहीं हुए, क्योंकि हमारी तरफ तो आना शुरू हो चुके हैं जानवर जो स्टार्टिंग है। और हमारी तरफ तो बकरीद के सीज़न में जब मतलब बकरीद के एक हफ्ते पहले सारी गलियां भरी हुई होती हैं। ये देखें अभी एक जाली, ये जाली एक एक वो बंदी भी, बाकी आगे भी हैं वहाँ पे काफ़ी हैं। तो बस दोस्तों हमारी आज की वीडियो ये थी, अगर आपको अच्छी वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और व्लॉग में, जब से करिए अल्लाह हाफ़िज़।